हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज है 16th of April और आज है हनुमान जन्मोत्सव। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बालाजी महाराज आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वैसे कौन कौन मेहंदीपुर बालाजी गया है कमेंट करके बताना होगी। मैं तो गई हूँ, सिर्फ एक बार गई हूँ, आई हूँ। बाबा ने सिर्फ एक बार बुलाया, दोबारा उसके बाद बुलाया नहीं। देखते हैं कब बुलाएंगे और कब हम आ जाएंगे। लेकिन वहाँ का हाल थोड़ा ज़्यादा डेंजरस रहता है ना, इसलिए थोड़ा डर भी लगता है। और आज मैंने पहना है, देख, मैंने ये नई वाली ब्लैक टी शर्ट पहनी है, काफ़ी प्यारी लग रही है पहन के। देखो, पहले मैं सोच रही थी कि ना मैं इस टी शर्ट को ब्लू जीन्स के साथ पहनूं, बट फिर मुझे याद आया मेरे पास जितनी ब्लू जीन्स है ना, सर ये डैमेज है सब, कोई निकट है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। बट फिर ना घर पे अम्माई भी हैं, तो वैसे तो कोई कुछ नहीं कहता पहन लो, मतलब कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन थोड़े पुराने लोग होते हैं, आप लोग समझते हो कि उनकी थोड़ा वो लगता है कि ये क्यों पहना, वो क्यों, मतलब उनको ये होता है कि हाँ कटे फिटे कपड़े, कटे फिटे कपड़े अच्छे नहीं माने जाते पहनने, यूँ कहते हैं उन लोगों का मानना ही होता है। तो फिर मैंने सोचा बेटा, हाँ जी, गाली खाने से अच्छा है तुम मत पहनो, बाद में पहन लेना। तो इसलिए मैंने इसको सिंपल के साथ कैरी कर लिया। और यार कोई मुझे कमेंट करके बताओ कि मोटी हो गई क्या यार। अगर मैं मोटी हो गई तो मुझे वेट लूज करने का तरीका ही बता देना, क्योंकि मैं वेट लूज कर लूंगी। और ना आज तो हनुमान जयंती के जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, जो हमारे पुराने गेट पे सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है वहाँ पे भी आज प्रोग्राम है, भंडारा है, और रात को वहाँ पे जागरण भी होता है। तो मैं वहाँ जाऊँगी रात को और दर्शन भी करा के लाऊंगी। मेरे घर के बाहर वाले मंदिर है ना, उस वाले मंदिर में भी 2 दिन से डेकोरेशन चल रही थी, फाइनली कल जाके वो डेकोरेशन ख़त्म हो चुकी है। और आज है वहाँ पे सुबह चोला चढ़ा था, जो कि भाई गया था चोला चढ़ाने। और फिर कल है वहाँ पे सवारी, तो मैं आपको सवारी भी शूट करूँगी। इस पूरे व्लॉग में आपको सवारी और सब चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और सवारी का डोला तो रात से चालू हो जाएगा सजने, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और हमारी दुकान के बाहर भी भंडारा है आज, देखो। तो वहाँ तो खैर मैं जाऊँगी नहीं, और अम्मा वो बैठी पीछे आ जाएंगे कैमरे में, ये रही अम्मा। मैं आपको ना अम्मा की बातें सुनाऊंगी कभी कभी, अम्मा ने बहुत पुरानी बड़ी स्टोरी सुनाती। तो अभी मैं चलूंगी अम्मा के साथ बाहर वाले मंदिरों में दर्शन कराने, तो मैं आपको लेके चलूंगी अपने साथ। ये डेकोरेशन, ये ना ये वाली डेकोरेशन करा रखी है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी है, पर लाइटिंग वगैरह भी नहीं देखेगी, लाइटिंग वगैरह तो देखेगी रात को, क्योंकि रात को चलेगी, तो वो मैं रात को लेके चलूंगी। अब फिलहाल तो मैं अम्मा को सुबह दर्शन कराने जा रही हूँ। चलो अम्मा, वहाँ पे वाले बाबा जो सवारी में जिनका स्नान चल रहा है। सो गाइस, अब हो रहे सॉरी दोपहर के 2, और भंडारा हमारे घर पे आ चुका है। मैं आपको दिखाते देखो क्या क्या आया है। सॉरी मम्मी ने ना इनको दाब दी, नहीं तो खराब हो जाता जी। और जो भंडारे के आलू की सब्जी होती है ना, उसका इतना यम्मी टेस्ट होता है ना, घर पे कितने भी बनवा लो उसका वो टेस्ट नहीं आता। और ये हलवा, आप देख रहे हो इस हलवे में कितना घी तैर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा घी। मेरा छोटा वाला भाई वगैरह, अगर मैं इस हलवे को खाऊंगा ना, तो मेरी सारी डाइटिंग, मेरा सारा जिम 1 सेकंड में चला जाएगा। तो अब बहुत ही टेस्ट हुआ, वैसे भी प्रसाद का टेस्ट ना अलग ही आता है, और बाबा के प्रसाद का टेस्ट तो वैसे भी अलग होता ही होता है। अब मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे शाम को, जब हम जाएंगे मंदिर। मैं आपको दर्शन करा के लेके आऊँगी और यहाँ की लाइटिंग भी दिखाऊँगी। देख कहेंगे ये मेरे पीछे पहले आता है। मंदिर में हो रहा है सुंदर कांड हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, और मेरी मम्मी और बहुत सारी लेडीज यहाँ पे बैठी हैं। हम गए थे बाहर तक कुछ काम से, मैं एंड कानिक। फाइनली अब हम तैयार हो चुके हैं। मम्मी कहाँ तुम? मम्मी ये रही, मेरा अम्मा, मेरी मम्मी। और अब हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर पुराने गेट वाले दर्शन करने रात को 10 बजे। और यहाँ पे हो चुका है मंदिर डेकोरेट, मैं आपको भी दिखाती हूँ लाइटिंग सारे मंदिर की। हाँ बेबी बोल, देखो ये रही लाइटिंग यहाँ की। मम्मी देख के चल रही हूँ, एक मिनट यहाँ करूँ।
कितना सुंदर लग रहा है इस टाइम लाइटिंग में। ये है डेकोरेशन मंदिर के बाहर की, मतलब ये पुराने गेट का गेट है जो सज रहा है। और यहाँ से एंट्री मतलब ट्रैफिक वगैरह बैन है, पैदल जा सकते हैं, व्हीकल्स बैन है। शुभू शुभू हाय। पीछे आ रही मम्मी दीदी और साची का डेकोरेशन यहाँ से माता। अभी चप्पल ही उतारो तो क्या, मैं चप्पल ही उतारा मेरी चप्पल चोरी हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से चप्पल उतरवाई मैं जीजू की दुकान पर। ये है मंदिर का गेट। इस समय ये सेवादार हैं और अपने अपने दुकानों पर बैठ जाए। इस समय सभी सेवादार हैं। बुढ़ाना गेट व्यापार संघ कवि विशन की कहने पर हनुमान जी ने सीना चीर कर दिखाया के लिए देख जय श्री राम। हाथ उठाकर प्रेम से विभीषण ताने मारे बजरंगी से है पापा में। विभीषण ताने मारे बजरंगी से है पापा में। तो कहते हैं ये सबको मार्ग बताए भरी सभा में चीर के सीना। ले लो शुभ। कौन सी लेगा भैया, देखना कौन सी कह रहा है। सो गाइस गुड आफ्टरनून। अब हो रहे हैं मतलब नेक्स्ट डे है हनुमान जयंती का, जिस दिन निकलने वाली है सवारी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रिपरेशंस कैसे चल रही हैं। मेन डोला तो यहाँ सज रहा है, बाकी सारे हम तो हमारे पुराने गेट पे सजते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेन डोला कैसे सज रहा है, मेरे घर से बिल्कुल दिखता है। देखो होप यू कैन सी, इधर तो वो पार्ट है और इधर वहाँ पे वो है। और अभी मैं ना वहाँ पे लाइटिंग्स भी जल रही थी, वहाँ पे लाइट टेस्ट हो रहा है।
अभी तो मतलब चल रही है, फ्लावर्स वगैरह भी लगेंगे, तो जब पूरा फाइनल रेडी हो जाएगा ना तब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, पूरी सवारी भी दिखाऊंगी। सवारी चालू हो चुकी है, मतलब पहले वाला आने वाला देखो ये आए सवारी देखने के 7 बजे चालू हुई है सवारी, वो वहाँ पे मेन डोला है और सारी सवारी भी आएगी एक एक करके। जी वो भी मेरी मेट्रो में जा रही है कनिका, हमने पहली बार देखा है, हमने पहली बार देखा कि मेरी मेट्रो में शिवजी का, मेरी मेट्रो में शिवजी आ रहे हैं, ये रहे हमारे शिवजी, हमारे ये कौन से भगवान है, ये विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान आ चुके हैं हमारे बालाजी बाबा। अभी हमारे घर के बाहर आ गया है।